आज जनपद प्रतापगढ़ में सपा का मंच बना दंगल। सपा टिकट को लेकर दो नेता के समर्थक आए आमने सामने। आज विधानसभा रानीगंज पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने पूर्व विधायक, उसके बेटे और सपा नेताओं को मंच से घसीट कर पीटा। मंच बना मारपीट का अखाड़ा, लहराए गए असलहियत। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा में सपा की जनसभा में पूर्व मंत्री के समर्थकों की गुंडई। जनसभा के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आर के चौधरी के सामने सियासी मंच बना मारपीट का अखाड़ा। पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने मंच से दौड़ाकर पूर्व विधायक शाद अली और सपा नेता ब्रजेश यादव को पीटा। मंच पर शिवाकांत ओझा को प्रत्याशी मानकर गुणगान करने पर सपा नेता और पूर्व विधायक ने जाहिर की नाराजगी। पूर्व विधायक शाद अली को मंच से धकेला, बेटे को पीटा, सपा नेता ब्रजेश यादव को दौड़ाकर पीटा। ऐसे में कैसे रानीगंज में सपा का होगा बेड़ा पार? प्रतापगढ़ जिले में सपा का हो जाएगा बंटाधार। पूर्व मंत्री के समर्थकों की सपा के अन्य दावेदारों के साथ गुंडई। रानीगंज के मिर्जापुर चौहारी में सपा की जनसभा का मामला। आप देख रहे संवाददाता गुलाब चंद गौतम की रिपोर्ट। अभी हमारे विधानसभा के महासचिव, हमारे छोटे भाई जिनको मैं बहुत उनसे प्यार करता हूं, पप्पू मिश्रा जी खड़े हैं, उन्होंने एक शिकायत किया कि जिलानी साहब ने मेरा हक ले लिया। साथियों, मैं एक बात बड़ी गंभीर बात कहना चाहता हूं। ये जो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के साथी हैं, आप पैसे के लालच में ऐसी बात मत बोला करो। हमें विधानसभा का टिकट किसी को घोषित नहीं हुआ। अभी हमारे शिवशंकर सरोज जी भाषण देते गए, मैंने कहा कि आपने प्रत्याशी की घोषणा कर दिया क्या भाई दमदम से आकर के? शिवशंकर सरोज जी, मैं कहना चाहूंगा अपने बड़े भाई ओझा जी से, हम और ओझा जी दोनों लोग साथ विधायक हुए, मैं इनको बड़ा मानता हूं। बड़ा इसलिए मानता हूं कि मैं संस्कारिक हूं, मैंने संस्कार सीखा है। ये हमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं इनको बड़ा मानता हूं। बाकी हमारे साथ के विधायक हैं, हमसे सीनियर उनियर नहीं है। जब ये चुनाव जीते मैं चुनाव जीता, जब ये चुनाव हारे तो मैं चुनाव हारा। लेकिन दुर्भाग्य था कि मुझे तब से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओझा जी, बड़प्पन दिखाइए, नारा मत लगवाइए। अगर आप में बड़प्पन होता तो जो लोग अपने को आपको प्रत्याशी कह रहे थे आप बड़ा खुश हो रहे थे, गायक लोग आपको प्रत्याशी कह रहे थे आप बड़ा खुश हो रहे थे, आप खड़े हो जाते। हम लोग आपसे छोटे भाई थे, शकील साहब भी टिकटाती है, विदेश भी है, मैं भी हूँ। आप कहते अरे भाई अभी प्रत्याशी मत बताओ, तो हम लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाता। आज ओझा जी ने एक समझदारी का परिचय दिया है। आपको याद होगा जिस दिन सेक्टर प्रभारियों की मीटिंग थी, उस दिन उल्टा खड़ी हुई थी जिंदाबाद जिंदाबाद लगा था। उसी के दूसरे दिन 5 तारीख को जब पार्टी जानी थी तो जिंदाबाद हमारे लड़के लगाए थे, आप परेशान हो गए थे। आज मैंने अपने समर्थकों से कह दिया कि आज आप लोग जिंदाबाद मत लगाना, हमारे भी समर्थक आए हैं। मैं शेर बहादुर यादव को कहना चाहूंगा, आपने भाषण दिया, किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, आपने आप बोल लीजिएगा ओझा जी, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा क्या क्या Oh!
खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।